दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ फीफी आइलैंड। फीफी आइलैंड एक बहुत ही ज़बरदस्त टूरिस्ट अट्रैक्शन है थाईलैंड में, और जो लोग फुकेट बांग्ला रोड घूमने जाते हैं एक दिन के लिए तो फीफी आइलैंड जाना ही बनता है। तो गाइज एक दिन पहले ही मैंने टिकट बुकिंग कर लिया था। टिकट बुकिंग कैसे किया, कितना सस्ता मैं टिकट बुकिंग किया, पूरा डिटेल्स पिछला वीडियो में मैंने दे दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का मैं लिंक दे रहा हूँ, तो इस वीडियो के बाद ज़रूर देख लेना कैसे आप सिर्फ 900 थाई भट से पूरा एक दिन का फीफी आइलैंड का ट्रिप बुक कर सकते हो इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो सुबह सुबह मेरा कॉल टाइम था 7:30 बजे, मेरे ट्रैवल एजेंसी से फ़ोन करके बोल दिया गया था 7:30 बजे मुझको पिकअप करने के लिए वो लोग कार भेजेगा। तो ऐसे ही मैं होटल के बाहर इंतज़ार कर रहा था 7:30 बजे, तो 10 से 15 मिनट के अंदर दोस्तों ये जो गाड़ी है वाइट कलर का जो ये पिकअप वैन वो आ चुका था मुझको पिकअप करने के लिए। पर इतना बड़ा गाड़ी सिर्फ मैं नहीं हूँ, ये गाड़ी में और भी टूरिस्ट लोग थे और जगह जगह से होटल से वो लोग फॉरेनर्स जो टूरिस्ट जो फुकेट घूमने जाते हैं उन लोग जो बुकिंग किया है फीफी आइलैंड जाने के लिए सभी को पिकअप करते करते जा रहा था। सभी टूरिस्टों को पिकअप करने के बाद वो कैब हम लोगों को सभी को लेके गया पोर्ट एरिया में। पोर्ट एरिया का मतलब जहाज से हम लोगों का जो स्पीड बोट यर्ट जो छोड़ने वाला था। तो गाइज वहाँ जाकर मुझको ऐसा लगा हम लोग सिर्फ अकेले नहीं थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग भीड़ भाड़ थे, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट थे। सारे फुकेट शहर में जितने भी टूरिस्ट आए थे हर दिन जो बुकिंग करते सभी लोग उस पोर्ट पर इंतज़ार कर रहे थे। आई वॉज वन ऑफ देम। तो पहला जो एक ब्रीफिंग छोटा सा ब्रीफिंग हुआ क्या करना है क्या करना नहीं है, अगर आपका सी मोशन है इसके लिए दवाई वगैरह वो लोग भी फ्री में दे रहा था। तो मेरा जो सबसे ज़बरदस्त लगा वहाँ पर था फ्री ब्रेकफास्ट। गाइस फ्री ब्रेकफास्ट तो ज़बरदस्त था, यकीन मानिए आपके वहाँ पर कॉफ़ी बिस्किट ब्रेड जैम जेली फ्रूट्स जो आप चाहो वो आप खा सकते हो। कम्प्लीटली बुफे सिस्टम है इंक्लूडिंग ऑल द टूर पैकेज, आपका उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। तो एक ब्रीफिंग हो जाने के बाद वहाँ पर कम से कम 20 से 30 स्पीड बोट थे। हर टूरिस्ट को बोल दिया गया था कौन सा स्पीड बोट में आपको चढ़ना है आपको जाना है। मैं भी मेरा जो स्पीड बोट अलॉटमेंट हुआ था उसमें मैं चढ़ गया और एकदम स्पीड बोट के सामने जाकर मैं बैठ गया क्योंकि मुझको स्पीड बोट से सामने का सीन देखना है। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों जो सीन था तो कमाल का था। कुछ देर में ही स्पीड बोट जर्नी हम लोग का शुरू हो गया था एंड इट वॉज द रियल एडवेंचर। ये था क्रिस्टल वाटर, एक बहुत ही खूबसूरत सा एक लैंडस्केप, चारों तरफ पहाड़, उसके बीच में हम लोग का स्पीड बोट जा रहा था। एंड यकीन मानिए इसका जो एक्सपीरियंस, उसके एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए कोई शब्द नहीं है। आधा से 40 मिनट स्पीड बोट से जाने के बाद स्पीड बोट एक जगह अचानक रुक गया और हम लोगों को बोला गया आप लोग यहाँ पर चाहो तो स्कूबा ड्राइविंग कर सकते हो। गाइस स्कूबा ड्राइविंग मेरे लिए तो एक पहला एक्सपीरियंस था। स्कूबा ड्राइविंग होता है वो ड्राइविंग जिसमें आपको एक चश्मा दिया जाता है और एक सांस लेने का एक क्या बोलूँ एक फिल्टर लगा होता है, उससे आप समुंदर के अंदर नहीं जा सकते हो बट आप समुंदर के नीचे आप देख सकते हो, आँख खोलकर आप व्यू एंजॉय कर सकते हो अंडर वाटर व्यू। तो एक्चुअली मेरा स्विमिंग इतना अच्छा नहीं था, तो पहले मैं जो स्पीड बोट से नहीं उतरा बट जो फॉरेनर वाले थे यूरोपियंस वाले हैं वो लोग सो एकदम स्पीड बोट से एकदम उतर के एकदम बीच समुंदर में वो लोग तैरना शुरू कर दिया था। पर देखकर इतना अच्छा लगा मैं भी स्पीड बोट से उतर गया लाइफ जैकेट पहनकर। मुझे तैरना नहीं आता है बट उसके बाद भी आधा घंटा मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस किया इन द मिडल ऑफ द सी। उसके बाद हम लोग का जर्नी दोबारा शुरू हुआ गाइस और हम लोग पहुंच गए ये आइलैंड में। ये आइलैंड का नाम है, दिस इज़ द नेम ऑफ द आइलैंड, आप खुद ही पढ़ लो गाइस। तो उस आइलैंड में हम लोग पहुंच गए, वहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक हुआ, वहाँ पर कुछ फ्रूट्स कुछ हम लोग का ऑफर किया गया लाइक मेलन्स लाइक बनाना। हम लोगों को कुछ खाने के बाद हम लोग को बोला गया आप लोग यहाँ पर बीच में घूम सकते हो, थोड़ा सा इन्जॉय करो, स्कूबा ड्राइविंग करो, कुछ आप लोग एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करो, आप अगर सनबाथ लेना चाहते हो वो भी कर सकते हो। यहाँ पर एक घंटे के लिए हम लोग रुकेंगे। एक घंटे स्पेंड करने के बाद हम लोग फिर से जर्नी शुरू किया और हम लोग का भी फाइनल डेस्टिनेशन था फीफी आइलैंड। लगभग एक घंटे जर्नी के बाद हम लोग पहुंच गए थे फीफी आइलैंड। एंड यकीन मानिए फीफी आइलैंड का इंटर एक्सपीरियंस बहुत ही खास था। फीफी आइलैंड पहुंच कर हम लोग का जो लंच का अरेंजमेंट था, हम लोग पहले लंच कंप्लीट किया, वहाँ पर वेज नॉन वेज फिश चिकन सब कुछ बढ़िया था, आप जो भी चाहो खा सकते हो इंक्लूडिंग आपका टूर पैकेज था। दबा के खाने के बाद हम सभी मिलकर दोस्तों फीफी आइलैंड एक्सप्लोर करने निकल पड़े। फीफी आइलैंड एक बहुत ही बड़ा आइलैंड है, वहाँ पर बहुत सारा शॉपिंग सेंटर्स है, आप वहाँ पर एडवेंचरस एक्टिविटीज़ कर सकते हो, आप वहाँ पर समुंदर में नहा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, एक बहुत ही
ब्यूटीफुल एक आइलैंड में ऐसे ही एक दो घंटे स्पेंड करना का एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया था। सो दो से ढाई घंटा हम लोग को एक्सपीरियंस करने के बाद फिर से हम लोग को वापस आना था, बट वापस आने के टाइम में हम लोग एक और एडवेंचर बाकी था दोस्तों, दैट वॉज द मायावी। मायावी एक दुनिया का एक बहुत ही फेमस एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मायावी का मतलब है जहाँ पर जो द फेमस हॉलीवुड मूवी द बीच मूवी का शूटिंग जहाँ पर हुआ था उस जगह का नाम था मायावी। मैं दोस्तों मायावी लगभग कुछ महीनों से मायावी को बंद कर दिया गया था क्योंकि मायावी एक नेचुरल हैबिटेंट है फॉर द शार्क, शार्क के लिए ये जगह है, बट जो लोग टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी करते हैं इसीलिए शार्क को लोग वहाँ पर आना बंद कर दिया। तो थाईलैंड गवर्नमेंट ने शार्कों के लिए उस आइलैंड को छोड़ दिया है। मायावी में अभी टूरिस्ट को जाने का परमिशन नहीं है, बट हम लोग मायावी के बाहर से ही मायावी का एक्सपीरियंस किया। बट यकीन मानो बाहर से ही इतना बढ़िया लग रहा था वो जगह, इतना बढ़िया लग रहा था जस्ट पूछिए मत। मायावी का एक्सपीरियंस करने के बाद हम लोग जस्ट फिर से लौट गए मेनलैंड में। आते आते ऑलमोस्ट शाम हो चुका था उसके बाद, तो सेम कैब से हम लोग को ड्रॉप दे दिया गया है इन आवर होटल। सो दोस्तों ये था फुल डे का जर्नी सिर्फ 900 थाई वर्ड लेकर। अगर आप फुकेट जा रहे हो ये वाला जर्नी तो आप करना ही चाहिए, फुकेट जाओ, करा भी जाओ, कहीं भी जाओ, आप वहाँ से ही आपको सस्ते में ये टूर पैकेज बुक कर सकते हो। कैसे बुक कर सकते हो वो भी दूसरा वीडियो में है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दिया हूँ, ज़रूर वो देखना। अगर ये फुकेट का एंटायर फुल डे जर्नी का वीडियो का एक्सपीरियंस अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी मज़ेदार एक्साइटिंग वीडियो के लिए ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।